हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पार्लियामेंट हिल का इवनिंग टूर करवाएंगे। पार्लियामेंट हिल कैनेडियन सरकार का घर है, जहां कनाडा के सभी प्रतिनिधि कानून बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, होटल्स और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड्यू कैनाल भी है। इन बिल्डिंग्स में बने लॉज सब कैनेडियंस की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। तो चलिए टूर शुरू करते हैं पार्लियामेंट हिल के मेट्रो स्टेशन से। पार्लियामेंट स्टेशन एक अंडरग्राउंड स्टेशन है। ये ओटवा के डाउनटाउन में स्थित है, जो पार्लियामेंट हिल के बस कदम भर दूर है। मेट्रो स्टेशन से क्वीन स्ट्रीट के रास्ते हम बाहर निकले और फिर चल पड़े पार्लियामेंट हिल की तरफ। ये कॉन्फेडरेशन बिल्डिंग है, जो पार्लियामेंट हिल के पश्चिमी दिशा पर स्थित है। इस बिल्डिंग की बाहर की वॉल्स पर स्टोन वर्क किया गया है और बिल्डिंग के ऊपर कॉपर से बनी हुई छत है। आपको लोग स्कूटर्स का लुत्फ उठाते हुए भी मिलेंगे। थोड़ा आगे चलकर हाउस ऑफ कॉमन्स की बिल्डिंग है और इसके दूसरी तरफ ईस्ट ब्लॉक है। हाउस ऑफ कॉमन्स का मुख्य द्वार साउथ की तरफ है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 338 मेंबर्स हैं, जिन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि इलेक्शन के दौरान चुने जाते हैं। फिर आती है हमारी पार्लियामेंट हिल, जो कि कनाडा की सरकार का घर है। पार्लियामेंट हिल के आगे आप सेंटेनियल फ्लेम को जलता हुआ देखेंगे। ये फ्लेम पहली बार जनवरी 1967 में जलाई गई थी। ये फ्लेम नेचुरल गैस के साथ जलती है, जो कि एक फाउंटेन की तरह है, जो विंटर में भी फ्रीज नहीं होता। ये सन 1812 की लड़ाई का मॉन्यूमेंट है, जो टोरंटो के स्कल्पचर एलिसन ने बनाया था। इसमें एक रॉयल नेवी सेलर है, जो रस्सी खींच रहा है, फिर एक महिला है जो बैंडेज कर रही है एक फ्रांसीसी लड़ाकू की, और एक मैटिस लड़ाकू है जो तोप से फायरिंग कर रहा है। ये रास्ता पार्लियामेंट हिल के पीछे से होकर जाता है। यहाँ से हमें बहुत सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं। ये ब्रिज अलेक्जेंड्रा ब्रिज है, जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे द्वारा बनाया गया है। ये ब्रिज ओटवा के नीपियन पॉइंट पर ओटवा रिवर को क्रॉस करता है। इस ब्रिज के दोनों छोरों पर दो मुख्य म्यूजियम है। रिवर के गेटिन्यू साइड कैनेडियन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है और ओटवा की तरफ नेशनल आर्ट गैलरी है। अगर आपको ये म्यूजियम विजिट करने हैं तो आप ज़रा दिन में आइए। फिर हम चल पड़े स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया की तरफ। रास्ते में हमें विक्टोरिया टावर बेल मॉन्यूमेंट दिखाई पड़ता है। ये कनाडा के फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बचे हुए लिंक्स में से एक है। रास्ते में रुककर रिवर को तो देख लें, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इवनिंग के टाइम जरूर एक बार आए यहाँ। फिर आता है क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू, जो क्वीन की डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन का प्रतीक है। उनके शासनकाल का 60वां वर्ष, जो कि पहाड़ी के लिए चुना गया था। अब हम पार्लियामेंट हिल के सामने आ गए हैं और वेलिंगटन स्ट्रीट से पहुंच चुके हैं नेशनल वार मेमोरियल की तरफ, जो कि सिटीजन्स में अपनेपन, नैतिक मूल्यों, बलिदान और गौरव की भावना को मजबूत करता है। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं रेड्यू कैनाल और उस तरफ है सेनेट बिल्डिंग। जब यूएस के साथ युद्ध हो रहा था, तब ये कैनाल 1832 में बचाव के लिए खोली गई थी। ये आज भी बोटिंग के लिए उपयोग होती है। फिर ये पुराने टाइम के लॉक्स हैं, जो नेविगेशन के दौरान मिड मई में खोले जाते हैं और मिड अक्टूबर में बंद हो जाते हैं। अब चलते हैं बायटाउन म्यूजियम की तरफ, जो कि पार्लियामेंट हिल के नीचे है। ये म्यूजियम ओटवा के पहले निवासियों से वस्तुओं और कहानियों को आज तक प्रस्तुत करता है। शाम को ओटवा रिवर की सुंदरता काफी मनमोहक है।
ये लोरा सेकर्ड स्टैचू है, ऐसे और भी स्टैचूज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर सेनेट ऑफ कनाडा है, जिसके ऑपोजिट फेयरमोंट चैट्यू लोरिए होटल है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। फिर आता है रेड्यू सेंटर, ये एक शॉपिंग सेंटर है जो कि रेड्यू स्ट्रीट के बॉर्डर पर है। ये 6th largest मॉल है कनाडा अकॉर्डिंग टू द एरिया। रात को स्ट्रीट बहुत सुंदर लगती है। ये बायवर्ड मार्केट है जो कि विलियम स्ट्रीट को 4 चांद लगाए हुए है। ये मार्केट ओटवा की नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ आपको कैफे, स्पेशलिटी फूड शॉप्स, बुटीक्स, गैलरीज, रेस्टोरेंट, पब्स, हेयर्स एंड सैलून सब मिल जाएगा। अब हम फिर से पार्लियामेंट हिल की तरफ चल पड़े, जहां प्ले होगा साउंड्स एंड लाइट शो, दैट इज नॉर्दर्न लाइट शो ऑन पार्लियामेंट। ये शो आपको एक ना भूल सकने वाली ऑडियो विजुअल जर्नी की तरफ ले जाता है, जो कनाडा की हिस्ट्री बताता है। रंग बिरंगे दृश्य जो आपका मन मोह लेंगे, सेंटर ब्लॉक्स पीस टावर पर दर्शाए जाते हैं, जिसका अनुवाद इंग्लिश और फ्रेंच में किया जाता है। ये शो कैनेडियन स्टोरीज का एक शोकेस है, जो कि देश की नींव, नवाचार, वीरता और लोगों के गर्व को दिखाती है। The legislative assembly attempted to restore peace by offering pardons to former rebels and compensation for damage to homes and farms. Au rétablir le gouverneur de son appui précise le gouvernement responsable et à la loi indemnisant les rebelles pour les dommages subis. Les loyalistes sont furieux et se rassemblent à la place d'armes. शो वाकई में लाजवाब था। अब हम वापस जा रहे हैं स्पार्क स्ट्रीट से। मेट्रो स्टेशन की तरफ वापस जाते हुए हमें ये ओटवा साइन मिला, जहां हमने मेमोरी के लिए फ़ोटो खींच ली और हम मेट्रो में बैठ के घर की तरफ रवाना हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।